ये देखे माशाल्लाह कैसे ऊपर चीनी जो है ना वो कोड हो गई है ये देखिये माशाल्लाह मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ देखिये बिस्मिल्लामी वी असला रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद आज मैं फिर हाजिर हुई एक नई और बहुत ही जबरदस्त बंगाली मोरेला की रेसिपी के साथ पाकिस्तान में हम लोग इसे मीठी मोटी टांगरी कहते हैं बहुत ही आसानी से बन जाती है और बहुत ही कम चीज़ों के साथ वीडियो के एन तक देखिएगा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें तो चलिए चलते हैं रेसिपी शुरू करते हैं ये टांगरी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ मैंने मैदा लिया है दो कप लिया है हाफ टी स्पून चीनी है हाफ टी स्पून नमक है ये शामिल करूँगी दो टेबल स्पून घी है ये शामिल करूँगी और इसको अच्छी तरह इसके अंदर लेना है इनको मैंने अच्छी तरह मसल लिया ये देखें क्रम्स की तरह बन गया और ऐसा करने से ये देखें मुठ्ठी भी बन रही है तो अब इसको हम पानी से गूंद लेंगे और इसकी सख्त डो गूंद लेनी है आटे को मैंने अच्छी तरह 10 मिनट तक गूंद लिया ये देखें कितना सख्त और नरम रखा है मैंने आटा अब इसका पेड़ा बना के इसको सेट करके हम यहाँ रख देंगे 20 मिनट इसको रेस्ट देंगे आटे को रखे हुए 20 मिनट हो चुके हैं ये अच्छी तरह नरम हो चुका है अब इसके पेड़े बना लूँगी अगर आपके पास कोई बड़ा बर्तन हो जिस पे आप बेल रहे हो तो कोई ज़रूरत नहीं है एक ही पेड़े से आप काम कर सकते हैं मैंने ये चकला बेलना लिया हुआ है तो ये जगह कम है इसलिए मैं इसके पेड़े कर रही हूँ बाकी को कवर कर देंगे और यहाँ मैं मैदा डस्ट करूँगी इसको बेलना चाहे आप गोल शेप में बेलें चाहे आप इसको चिकोर में बेल लें रोटी को मैंने इतना मोटा बेल लिया है जितना हम नॉर्मल रोटी बेलते हैं उससे थोड़ा मोटा बेला है और यहाँ एक प्लेट में मैंने डस्ट कर लिया मैदा इसको हम रखेंगे और इसकी कटिंग करेंगे इसकी कटिंग के लिए पहले मैं इसकी साइडें क्लियर कर लूँगी लेकिन अगर आपने इसको ओवल में बेला हो तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है या चकोर में बेला हो अब यहाँ से मैं पट्टियाँ काटूँगी ये इस साइज़ में ये देखें इतनी चौड़ाई पर रख के इसकी मैं सारे की पट्टियाँ काटूंगी अब इनको दरमियान में काट लेना है। जितनी आप इसकी लंबाई रखना चाहते हैं वो आपकी पसंद है कि आप इसकी कितनी लंबाई रखना चाहते हैं ये देखिए इस तरीके से हो गया इसको हल्का सा मैं प्रेस करूँगी गुलाई की शेप में आ जाए बस और इसे हम रख लेंगे शेप रेडी हो चुकी है अब इसको हम करेंगे साइड पे और कढ़ाई डालेंगे चूल्हे पे इसमें मैं घी शामिल करूँगी ऑयल भी शामिल कर सकते हैं घी भी और इसको अच्छी तरह गर्म होने देंगे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं मीडियम गर्म होना चाहिए ऑयल अच्छी तरह गर्म हो चुका है अब इसको एक एक करके हम इसमें शामिल करेंगे और लो फ्लेम पे इसे हम आठ से दस मिनट तक पकाएंगे ताकि जो अच्छी तरह पके अंदर तक आग तेज नहीं करनी वरना ऊपर से कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से ये नहीं पक पाएगा कच्चा रह जाएगा डार्क गोल्डन कलर होने तक हम इसे फ्राई करेंगे ये देखिए इसको हल्का सा कलर आना शुरू हो गया लेकिन इसी तरह हम सलसल हिलाते हुए हमने इनको डार्क कलर करना है बहुत ज़्यादा ब्राउन की तरफ नहीं लेके जाना लेकिन डार्क गोल्डन कलर करना है इसका हमने ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर आ चुका है इससे ज्यादा तेज़ नहीं करना क्योंकि अभी ठंडा होने तक इसने और भी कलर चेंज कर लेना है अपना ये देखिए माशाल्लाह कितने खस्ता बने आप आवाज़ सुन सकते हैं इसी तरीके से हम दूसरा बैच भी रेडी करेंगे आखिरी ब्याज भी रेडी हो चुका है इसे मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ नामों से पुकारा जाता है और बनाया जाता है आपके इलाके में इसका कौन सा नाम है और कौन से नाम से पुकारा जाता है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताया गया अब हम अगला स्टेप करते हैं अब कढ़ाई दोबारा से चढ़ा लेंगे चूल्हे पर और इसमें मैंने आधा कप पानी डाला है एक कप इसमें चीनी अब चीनी की अच्छी तरह मेल्ट होने तक हम इसको पकाएँगे चीनी सारी मेल्ट हो चुकी है और इसको पकते हुए दो मिनट हो चुके हैं ये देखें हल्की सी तार आ रही है हल्की सी बस बस इतनी हमें चाहिए अब इस पॉइंट पे आके ये शामिल करेंगे और तब तक हम इसको मिक्स करते रहेंगे जब तक ये सारा जो है ना लिक्विड ख़त्म ना हो जाए इसको इस पॉइंट पे आके एक तो आग लो रखनी है दूसरा हिलाते रहना है कि ये कहीं जल ना जाए नीचे ना लग जाए इसी तरीके से इसको करते रहना तमाम लिक्विड जो है ना वो खत्म होने तक ये देखिए माशाल्लाह कैसे ऊपर चीनी जो है ना वो कोड हो गई है और कैसे जमना शुरू हो गई है माशाल्लाह ये देखिए कितनी जबरदस्त आप बन गया अभी भी थोड़ी देर हम इसको और इसी तरह हिलाते रहेंगे क्योंकि नीचे थोड़ा सा अभी महसूस हो रहा है लिक्विड सा अब नीचे उतार लेंगे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह मज़ेदार बंगाली मोरेला यानी कि हमारी मीठी टांगरी की ये रेसिपी रेडी है माशाल्लाह ये देखिए कितने खस्ता बने हैं और कितनी ज़बरदस्त ये रेडी हुई है ये देखिए माशाल्लाह मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ देखिए उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लाइक करें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे अगली वीडियो तक के लिए बिली झांडी रोटी की तरफ से हाफिज़